अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आ गए नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है मशरूम मसाला। तो बिना देरी किए चलिए बताते हैं कि मशरूम मसाला कैसे बनाना है। निकाल के सारी स्किन को अलग कर देना है और इसको वॉश बहुत अच्छे से करना है। इसमें अंदर हल्की हल्की मिट्टी सी होती है तो इसके उसको बहुत अच्छे से धोना है। इसको पोंछ के अच्छे से फिर इसको ऐसे पतली पतली स्लाइस कट कर लें। देखिए हमने पतली पतली इसकी स्लाइस कर दी है। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन रखा, इसको आप गरम होने देंगे। तो देखिए पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये क्वार्टर टेबल स्पून के बराबर ये ब्लैक सीड है, ये इसमें डालेंगे। क्वार्टर टेबल स्पून के बराबर जीरा डालेंगे और क्वार्टर टेबल स्पून के बराबर सौंफ डालेंगे। ये मसाले हो गए हैं, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज तो लाल होने तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अब ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें बाकी सामान डालेंगे। सबसे पहले इसमें टमाटर डालेंगे, ये पाउडर मसाले हैं थोड़े, इसको डालेंगे। ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स इसमें डालेगा। अब ये 1/2 कटोरी दही है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर मसाले में मिला देंगे, इस सब को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ी सी हम मुट्ठी वाली मिर्च है, इसको ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये तीखी नहीं होती, ये भी डाल देंगे इसे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहें तो आप शिमला मिर्च को कट करके डाल दें। मशरूम डालते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मशरूम जो है पानी बहुत छोड़ेगा, इसे पानी बिल्कुल भी ना डालें, इसको ऐसी धीमी आंच में भूने दें। अब इसको ऐसे ढक देंगे और 10 मिनट के बाद फिर इसको देखें। चलिए आप चेक करते हैं, ये देखिए मशरूम ने कितना पानी छोड़ा है, इसमें बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला है हमने, इसका अपना पानी है। तो इसलिए जब भी मशरूम बनाएं पानी कभी मत डालें, इससे बहुत पानी होता है। तो थोड़ी धनिया की पत्ती कट करके डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें चाहे तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए मशरूम हमारा रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा मशरूम मसाला बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।